सम्मानीय राहुल जी, सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय मंच और सम्मानीय मेरे प्रिय साथियों, मेरे कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों, भाइयों बहनों, आज मैं कुछ अपनी दिल की बातें आपके सामने रखने वाला हूं। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो ऐसा आश्वासन था तब कि जबलपुर मध्य प्रदेश का राजधानी बनेगा, मगर राजनीतिक कारणों से मध्य प्रदेश को राजधानी नहीं बनाया गया और उस दिन से इस पूरे क्षेत्र में एक पिछड़ापन की समस्या चालू हो गई। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट आना था, जो तमाम एक्टिविटीज होनी थी, कुछ भी नहीं हुआ। और पिछले 25 साल में जब से बीजेपी के सांसद यहां हैं, राहुल जी, ये क्षेत्र बहुत दुखी है। 10,000 बच्चा इस शहर का और इस क्षेत्र का बाहर जाके पढ़ता है क्योंकि यहां गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पाती, और जो बाहर जाता है वो लौट के नहीं आता है क्योंकि यहां रोजगार नहीं है, और जो यहां पढ़ते भी हैं उनके लिए भी रोजगार नहीं है क्योंकि पिछले 30 साल में कोई रोजगार यहां हुआ ही नहीं। यहां अस्पताल हैं, जबलपुर कहते हैं बहुत बड़ा शहर है, एक वक्त जबलपुर नागपुर के बराबर था, इंदौर से आगे था, और इस 30-40 साल में जबलपुर इतना पीछे चला गया है कि अब हम लोगों को चिंता होने लगी है कि ये बुजुर्गों का शहर हो जाएगा। अगर कोई आदमी सीरियस हो जाता है तो कहा जाता है आप उसको नागपुर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ। एक ट्रेन रोज शाम को मरीजों को लेके नागपुर जाती है, ये है कि नहीं है? हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है राहुल जी, 5 बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, 1,00,000 आदमी काम करता था, आज 5-7 हजार रह गया क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सरकार ने काम देना बंद कर दिया। ठीक बात है कि नहीं? हमारे पास, हमको बोला गया जबलपुर के पास भेड़ाघाट है, बरगी है, खजुराहो है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, आप टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे, और आज भी वही स्थिति है जो 10-15 साल पहले थी, 25 आदमी आता और 25 आदमी जाता है। मेरा कहना है ये शहर विकास का भूखा है, ये शहर में एक ही मांग है कि इस शहर का विकास होना चाहिए। 3 लाख महिलाएं गारमेंट इंडस्ट्री में पूरे क्षेत्र में काम करती हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी ये बात रखी थी कि अगर थोड़ा सा हम उनका हाथ पकड़ के उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे दें, वो 3,000 जो 300 करोड़ का टर्नओवर है वो 3 साल में 3,000 करोड़ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? मगर हमारे सांसद जी का ये विषय ही नहीं था। ठीक बात है कि नहीं? हमारी प्रॉब्लम थी कि पिछले 15 साल से जो हमारे सांसद हैं उनके पास कभी कोई भी समस्या लेके गया तो उनका एक ही जवाब रहता था, ये मेरा विषय नहीं है। मैंने कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री बने, 15 दिन के अंदर मैं अपनी पीड़ा लेके कमलनाथ जी के पास पहुंचा और मैंने कहा, सर आपके सामने, आप जबलपुर आपसे कोई छुपा नहीं है, आप जबलपुर से कनेक्टेड हो, आप जबलपुर से आपका लगाव है, आप जबलपुर को चाहते हो, यहाँ के लोगों को चाहते हो और आपको जबलपुर की पीड़ा के बारे में पता है। तो मैंने उनसे वो रिक्वेस्ट की जो आज 60 साल में किसी ने कल्पना नहीं की,
मैंने कहा सर हैव अ कैबिनेट मीट, मंत्रिमंडल की मीटिंग आप जबलपुर में कराइए, जिससे संकेत दीजिए कि जबलपुर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और कमलनाथ जी ने 16 फरवरी को पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग जबलपुर में कराई। और खुशी की बात यह है कि हमारे चारों एमएलए, उसमें से दो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उस पूरी तैयारी के साथ उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में भाग लिया और 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और काम उस दिन स्वीकृत कराए। मैं इसके लिए कमलनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल का आभारी हूं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है और ये संदेश हमको घर घर तक पहुंचाना है। 25-30 साल से तो यहां कुछ काम हुआ नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमने 3 महीने में जो किया उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है? हम आज जबलपुर क्षेत्र की जनता को यह कहना चाहते हैं, जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ हम 5 साल में उनको करके दिखाएंगे। अगर जब मैं सांसद बन जाऊंगा इस शहर का, मैं आज घोषणा करता हूं जबलपुर का हर विषय मेरा विषय होगा। कमलनाथ जी, हमारे सिहोरा क्षेत्र में 15-20 साल से एक ही डिमांड है कि यहां डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में नोटिफिकेशन हो गया था, मगर वो नोटिफिकेशन को 15 साल तक बीजेपी ने दबा के रखा। मैं चाहता हूं जब आचार संहिता खत्म हो जाए, चुनाव खत्म हो जाए, उस पर आप पुनः विचार करें। दूसरी चीज, सिहोरा के पास एक अस्पताल है, 100 बेडेड अस्पताल है। 5 साल पहले ये अस्पताल बना सिहोरा में, मगर वहां डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है और वहां कोई मरीज की देखभाल नहीं होती। ठीक बात है कि नहीं? तो हमको वो अस्पताल जो 5 साल पहले बन चुका है, हम चाहते हैं वो अस्पताल चालू हो। इसी तरह सिहोरा में आपको पता है फ्लाईओवर बनना है। जो आदमी सिहोरा में आता है या जाता है उसको घंटों खड़े रहना पड़ता है। 25 साल से इस फ्लाईओवर की मांग है। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा इस फ्लाईओवर के बारे में भी वो विचार करें। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, मैंने यूथ मैनिफेस्टो और एक दृष्टि पत्र बनाया है जो मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में उसको सर्कुलेट किया है। मैंने आश्वस्त किया है इस क्षेत्र के लोगों को कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जब कांग्रेस वापस आएगी, यूपीए की सरकार बनेगी, राहुल जी प्राथमिकता से हमारी मदद करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। इसी तरह हमारी 3 लाख महिलाएं जो गारमेंट इंडस्ट्री में कुर्ता कमीज बनाती हैं, मैंने एक प्लान बनाया है कि उनका बिजनेस 300 से 3000 करोड़ रुपए बन जाए 3 साल में। राहुल जी, मैं उसमें आपकी मदद मांगूंगा। इसी तरह हम पर्यटन में, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए हम चाहेंगे कि कमलनाथ जी और राहुल जी से हमको पूरी मदद मिले, जिससे ये क्षेत्र विकास के तरफ आगे बढ़े। लोगों का यहाँ एक ही सपना है, वो सपना है विकास। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस भूमि ने, इस क्षेत्र ने मेरे और मेरे परिवार को बहुत सम्मान दिया, इस प्रदेश में दिया, इस देश में दिया। अब मेरे को खाली वो ऋण चुकाने का मौका मिला है। मैं वो ऋण आपको इस 5 साल में चुका के 50 साल का काम करके दिखाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।